रणबीर कपूर अच्छा उसकी कोई खास वजह ही सो हैंडसम बहुत प्यारा है वो बहुत हॉट है मैं उसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बचपन से फैन हूँ बट शी इज ऑसम एज ऑलवेज अभी भी वो फिट है जिम जाती है शी इज ऑन फायर एक्टिंग स्किल्स उसके मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री भी जो है वो आइडियलाइज करती है अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान को तो इसीलिए अस्सलाम वालेकुम पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आमना शाहिद और आज हम मौजूद हैं स्पीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में हम बात करेंगे यूथ से बॉलीवुड के बारे में उनसे पूछेंगे कि बॉलीवुड का वर्ड सुनते ही उनके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है सो लेट्स स्टार्ट वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मेहर खिजर अंसारी फरहान हमजा किंजा फरहान आप ये बताएं कि बॉलीवुड का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है अच्छा मुल्क है ये आता है अच्छा इंडिया अच्छा मुल्क ही आता है आपके हाँ मतलब लोग अच्छे हैं वो गवर्नमेंट जैसी मर्जी हो लोग तो अच्छे हैं ना शाहरुख खान डांस अमेजिंग डांस सॉन्ग्स ड्रामा एनर्जी अच्छा मूवीज़ के बारे में आते हैं कि मतलब मूवीज़ वगैरह और एक्टर्स एस आर के मेरे दिमाग में सबसे पहले तो शाहरुख खान आता है बॉलीवुड का नाम सुन के क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है और मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका तो आप बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है फेवरेट एक्टर है वो टाइगर श्रॉफ टाइगर श्रॉफ आपको क्यों पसंद है एक्शन की वजह से उसकी मतलब बहुत एक्शन होता है उसकी मूवीज़ में और वो रियल सीन करता है शाहरुख खान बहुत पसंद है बहुत बचपन से रणबीर कपूर अच्छा उसकी कोई खास वजह ही सो हैंडसम बहुत प्यारा है वो बहुत हॉट है शाहरुख खान आता है बॉलीवुड का नाम सुन के क्योंकि वो मेरा फेवरेट एक्टर है और मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका गजनी वाला जी क्या नाम है इसका आमिर खान उसकी कोई खास वजह अच्छी मूवीज बनाता है इन्फॉर्मेटिव होती है शाहरुख खान उसकी कोई खास वजह एक्टिंग स्किल्स उसके मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री भी जो है वो आइडियलाइज करती है अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान को तो इसीलिए तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ऑलवेज बेबो करीना कपूर खान अच्छा क्यों इसकी कोई खास वजह शी इज़ सो अमेजिंग मतलब मैरिड हो गए मतलब शादी हो गई है उसकी बेटा है उसका बट शी इज़ ऑसम एज ऑलवेज अभी भी वो फिट है जिम जाती है शी इज़ ऑन फायर करीना कपूर उसकी कोई खास वजह वो प्यारी लगती है मुझे दीपिका आपने बहुत सोच समझ के बताया है कोई नहीं है कोई भी नहीं है आपको मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है नहीं बिल्कुल भी नहीं इलियाना डिक्रूज अच्छा क्यों कोई वजह उसकी एक क्रश होता है ना इंसान का तो वो मेरा क्रश है अच्छा आपका क्रश है मतलब लाइक कोई भी एक फेवरेट नहीं है मेरी पाकिस्तानी अवाम इंडियन यानी बॉलीवुड मूवीज़ की किस कैटेगरी की मूवीज़ देखना पसंद करती हैं कॉमेडी और रोमांटिक हाँ आई गेस सैड वन मे बी क्योंकि मैं देखती हूँ वैसी शायद अच्छा एक्शन आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है जी मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद है रोमांटिक अच्छा रोमांटिक आप भी लगता है रोमांटिक मूवीज़ ही देखते हैं जाहिर सी बात है क्रियोसिटी वो ज़्यादा अच्छी क्रियोसिटीज़ वाली मूवी ज़्यादा बेहतर है सर एक्शन मूवीज़ देखने पसंद करती हैं मेरे मुताबिक और बाकी तो इतने खास नहीं आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है बिल्कुल मौका मिले किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस को मिलने का तो आप किसे मिलना पसंद करेंगी इलियाना डिक्रूज अच्छा इलियाना डिक्रूज आप मिल के क्या करेंगे हमजा उनसे उनसे मिलने के बाद सबसे पहले तो मैं उनके साथ सेल्फी लूँगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उसके बाद मैं बाकी सबको जलाऊंगा आई विल मीट सलमान खान उससे मिलके आप क्या करेंगी या ही इज़ सच अ नाइस पर्सन वो बहुत अच्छा है वो चैरिटी वाला काम बहुत करता है और बहुत सारे लोगों की मदद करता है ऐसे सच लोगों को ज़्यादा नहीं पता लेकिन वो बहुत मदद करता है बच्चों की और जो ज़रूरतमंद होते हैं तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम वही आमिर खान से आप मिल के क्या करेंगे उनसे तस्वीर ही खींचूंगा इंस्टाग्राम के लिए आमिर खान को डिफरेंट मतलब वो बहुत डिफरेंट स्टोरी लाता है आउट ऑफ द बॉक्स लाता है तो डेफिनेटली आमिर उनसे अच्छा शाहरुख खान से आप उनसे मिलके क्या करेंगे मैं उसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बचपन से फ़ैन हूँ अच्छा आप बचपन से फ़ैन हैं ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त अल्लाह हाफिज़